भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज डीडवाना में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में हर कोई भगवा रंग में रंगा नजर आया। बच्चों से लेकर पुरुष और महिलाएं भी भगवा साफा बांधे नजर आए। वहीं शोभा यात्रा के मार्ग को भगवा पताकाओं और दुपट्टों से सजाया गया। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार भी लगाए गए, जिससे समूचा शहर भगवा में नजर आया। वहीं भगवान राम के नारों से पूरा माहौल राम में हो उठा। इस मौके पर शोभा यात्रा पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। शोभा यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न झांकियां सजाई गई। वहीं शोभा यात्रा में गुजरात और पंजाब के प्रसिद्ध कलाकारों ने शानदार और आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा उज्जैन के कलाकारों द्वारा महाकाल आरती की गई और बालोतरा की प्रसिद्ध गैर के साथ दर्जनों झांकियां भी सजाई गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े और ऊंटों पर भी झांकियां सजाई गई। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी यह शोभा यात्रा बच्छराज विद्यालय से रवाना होकर शीतलकुंड बालाजी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। इस मौके पर नागौर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्ध्या भी शोभा यात्रा में पहुंचे और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।